स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज द लॉस्ट कॉइन। ठीक, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक का चैप्टर पढ़ लिया था, उसका मीनिंग समझ लिया था। क्या क्या हुआ था उस चैप्टर में? एक बहुत रिच आदमी था जिसका नाम था धनी। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो उसके 40 गोल्ड कॉइन्स खो गए थे। उसने आके ये बात अपने नेबर रामू को बताई थी। ठीक, उसके थोड़ी देर बाद जो रामू का बेटा है मोहन, वो स्कूल से घर लौट रहा था तो उसको रास्ते में एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे वो 40 गोल्ड कॉइन्स एक पार्सल में मिले। उसने आके ये बात अपने पापा को बताई और उसके पापा को क्योंकि मालूम था कि धनी के कॉइन्स खो गए हैं, इसलिए वो कॉइन्स लेकर धनी के पास गया और उसको बोला कि ये मेरे बेटे को उस आम के पेड़ के नीचे मिले हैं जो तुम्हारे घर के बाहर हैं, ये शायद वही कॉइन्स हैं जो तुम्हारे खो गए थे। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं अब क्या होता है स्टोरी में। धनी वॉज अ ग्रीडी फेलो। धनी वॉज अ ग्रीडी, ग्रीडी माने लालची, जो धनी था, और फेलो माने आदमी। तो धनी वॉज अ ग्रीडी फेलो मीन्स धनी एक लालची आदमी था। ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। यू चीट, ही स्क्रीम्ड एट पुअर रामू। उस जो वो रामू था तो गरीब था, तो वो तो उसके कॉइन्स लौटाने के लिए आया था, लेकिन जो धनी था वो बहुत लालची था, तो उसको एक आइडिया आया और उस आइडिया में उसने क्या किया। यू चीट, ही स्क्रीम्ड एट पुअर रामू। यू चीट माने तुम धोखेबाज हो, ये ही स्क्रीम्ड एट पुअर रामू और रामू के ऊपर चिल्लाया। आई लॉस्ट 50 गोल्ड कॉइन्स, मेरे 50 गोल्ड कॉइन्स खोए थे। योर सन मस्ट हैव फाउंड 50, और तुम्हारे बेटे को भी 50 कॉइन्स ही मिले होंगे। बट यू आर हाइडिंग 10 फ्रॉम मी, लेकिन तुम लगता है मेरे से 10 कॉइन्स छुपा रहे हो। गिव मी दोज 10 कॉइन्स बैक टू, मुझे वो 10 कॉइन्स भी वापस दो। ठीक है, क्या समझ में आया? कि धनी जो था वो बहुत लालची आदमी था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया तो वो रामू के ऊपर चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि तुम धोखेबाज हो, मेरे 50 कॉइन्स खोए थे और तुम्हारे बेटे को भी 50 कॉइन्स ही मिले होंगे, लेकिन तुमने 10 कॉइन्स मुझसे छुपा कर रख लिए हैं, मेरे वो 10 कॉइन्स भी मुझे वापस चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? रामू वॉज अपसेट, रामू जो है बहुत अपसेट हो गया, मतलब दुखी हो गया। ही टोल्ड धनी, उसने धनी को बताया दोबारा, अगेन एंड अगेन माने बार बार उसको बताया, दैट ही हैड फाउंड ओनली 40 कॉइन्स। धनी जो है उसकी बात सुनकर रामू जो है धनी की बात सुनकर बहुत अपसेट हो गया, दुखी हो गया, और उसने धनी को बार बार बोला कि उसको केवल 40 कॉइन्स ही मिले हैं। धनी प्रिटेंडेड टू बी एंग्री एंड सेड, धनी ने प्रिटेंडेड माने किसी चीज़ का नाटक करना या दिखाना कि हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन हम वास्तव में करते नहीं हैं, मतलब झूठ मूठ का उसने उसको गुस्सा दिखाया। धनी प्रिटेंडेड टू बी एंग्री, धनी ने उसको झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। एंड सेड, और कहा, कम लेट्स गो टू द जज, चलो हम जज के पास चलेंगे। ही विल डिसाइड हु इज राइट, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन सही है। डिसाइड मतलब फैसला करेंगे, हु इज राइट कि कौन सही है। ठीक, जब धनी ने उसको बार बार बोला कि मुझे 40 कॉइन्स ही मिले थे, तो रामू ने जब बार बार बोला कि मुझे 40 कॉइन्स ही मिले थे, तो धनी ने उसके ऊपर झूठ मूठ गुस्सा करते हुए बोला कि चलो जज के पास चलेंगे, अब वही फैसला करेंगे कि हम में से कौन सही है। दे वेंट टू द जज, वो दोनों जज के पास गए। द जज लिसन टू बोथ द मैन, लिसन माने सुना, टू बोथ द मैन, बोथ माने दोनों, तो जज ने उन दोनों आदमियों को सुना, मतलब उन दोनों लोगों की बात सुनी, धनी और रामू दोनों की बात सुनी। ही सेंट फॉर मोहन एंड आस्क हिम हाउ मैनी कॉइन्स ही हैड फाउंड। ही सेंट फॉर मोहन, उसने मोहन को भी बुलवाया और पूछा, हाउ मैनी कॉइन्स ही हैड फाउंड, 40 कॉइन्स ही सेड। तो मोहन से जब पूछा, मोहन को बुलवाया और उससे पूछा कि कितने कॉइन्स उसको मिले थे, तो उसने कहा 40 कॉइन्स। द जज टर्न टू धनी, जो जज था वो धनी की तरफ घूम गया।
हाउ मैनी कॉइन्स डिड यू लॉस, और धनी से पूछने लगा कि कितने कॉइन्स तुमने खोए हैं। 50 सेड धनी, धनी बोला 50 कॉइन्स खोए हैं। देन दीज कांट बी योर कॉइन्स धनी, तो सेड द जज, तब जज ने क्या कहा, देन दीज कांट बी योर कॉइन्स धनी, तो जज ने कहा कि तब तो ये कॉइन्स तुम्हारे नहीं हैं। तो जज भी बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या कहा कि धनी तुम्हारे कितने कॉइन्स खोए थे, 50 कॉइन्स। और उसने फिर उसके रामू के बेटे को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कितने कॉइन्स मिले, तो उसने कहा मुझे 40 कॉइन्स मिले। तो उसने धनी को बोला कि धनी इसका मतलब ये कॉइन्स तुम्हारे नहीं हैं। सो मोहन मे कीप द कॉइन्स इफ नो वन कम्स लुकिंग फॉर देम इन 45 डेज। तो जज ने क्या फैसला सुनाया कि ये कॉइन्स तुम्हारे नहीं हैं, सो माने इसलिए मोहन मे कीप द कॉइन्स, मोहन अपने पास इन कॉइन्स को रख सकता है, इफ़ अगर नो वन कम्स लुकिंग फॉर देम, अगर कोई इन्हें ढूंढते हुए ना आए इन 45 डेज, कि 45 डेज में अगर कोई इन कॉइन्स को ढूंढते हुए ना आए तो ये कॉइन्स मोहन रख सकता है। जज ने बोला ना, जज ने धनी से पूछा कितने कॉइन्स थे, तो उसने 50 बोल दिया, और जब मोहन ने बोला कि मुझे तो 40 कॉइन्स ही मिले हैं, तो जज ने धनी को कहा कि तब ये तुम्हारे कॉइन्स नहीं है, तुम्हारे तो 50 कॉइन्स थे और इसको तो 40 कॉइन्स मिले हैं, इसका मतलब ये तुम्हारे कॉइन्स नहीं है, तो अब इन कॉइन्स को मोहन रख सकता है, कब, अगर 45 दिन में कोई उनको मांगने के लिए नहीं आता है। एंड यू धनी, और धनी को क्या बोला, एंड यू धनी मस्ट वेट टिल समवन कम्स विद योर 50 कॉइन्स, और धनी को बोला तुम तब तक इंतज़ार करो जब तक कि कोई 50 कॉइन्स लेकर नहीं आ जाता। समझ में आई बात, जो 40 कॉइन्स मिले थे उसको तो धनी ने बोला ना कि मेरे 50 थे, तो जज ने बोला ठीक है तुम्हारे 50 कॉइन्स थे, तो तुम ये तो तुम्हारे कॉइन्स हैं नहीं। तो उन्होंने क्या डिसीजन दिया, क्या फैसला सुनाया कि इन कॉइन्स को अब मोहन रख लेगा अगर 45 दिनों तक कोई इन्हें मांगने नहीं आता है, और धनी तुम जो है वेट करो जब तक कि कोई 50 कॉइन्स लेकर नहीं आ जाता। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग चैप्टर की रीडिंग बार बार करेंगे। ओके।